जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज की क्लास जनरल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगी, जिसमें अग्निवीर आर्मी 2022 के लिए जीडी क्लर्क और टेक्निकल के जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, साथ में बायलैंग्वल क्वेश्चन है जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। साथ में अगर आप आर्मी जीडी क्लर्क और टेक्निकल के मॉक या साथ में क्विज चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप विजयपथ एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और लॉगिन करने के बाद अगर आप इसमें अग्निवीर 786 कूपन कोड का यूज करते हैं तो डायरेक्ट आपको 25% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। इसमें आपको 200 से ज़्यादा मॉक क्विज चैप्टर बाय टेस्ट जिसमें आपके मैथ साइंस जीके रीजनिंग जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चार सब्जेक्ट आपके रहते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर कराए गए हैं। साथ में आप www.vijaypatheducation.com पर जाकर भी इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वेपर फॉर्मेशन बिफोर बॉइलिंग पॉइंट इज, क्वथनांक से पहले बाष्प बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब हम मैं पानी को धीरे धीरे बॉईल कर रहा हूं तो वो बॉइलिंग से पहले ही उसमें वेपर जो है उसका भाप जो है वो बनना स्टार्ट हो चुका है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है। फ्रीजिंग कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आपके सामने चार के चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप यहाँ पे आंसर अपना बताएं कि पानी उबलने से पहले जब वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, बाष्पीकरण या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 3, इवेपोरेशन, मतलब कि बाष्पीकरण। बाष्पीकरण एक ऐसी क्रिया है जो लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज करने में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैम्फर फ्रॉम सॉलिड कैम्फर इज, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ। मेरे पास फंडामेंटल जो मेटल मैटर हैं वो बेसिकली तीन काउंट करते हैं, लेकिन हायर स्टडी में वो एक्चुअल में पाँच रहते हैं। एक है सॉलिड, फिर है हमारे पास लिक्विड, फिर गैस, फोर्थ रहता है प्लाज्मा, फिफ्थ रहता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन या फिर जिसको हम सुपर कूल्ड एटम के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल फाइव स्टेट ऑफ मैटर रहती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ तीन की बात कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से आप डायरेक्ट गैस में जा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास रहता है बर्फ का, आइस का। आइस को आप पिघलाएंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, आप उसको गर्म करेंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा। उसी वेपर को जब आप इकट्ठा करते हैं तो लिक्विड में बन जाता है, और इसी लिक्विड को जब आप फ्रिज में डाल देते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाती हैं और गैस से डायरेक्ट वो सॉलिड में आती हैं। इसका मतलब वो सॉलिड से लिक्विड को क्रॉस नहीं करती हैं, वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चली जाती हैं, गैस में चली जाती हैं। तो एक हमारे पास एग्जाम्पल भी है, वो है हमारे पास कपूर। आपने देखा होगा कैम्फर का यूज जो है वो किया जाता है पूजा के लिए, मुश्की कपूर हम जिसको बोलते हैं। तो जब भी इस कपूर को जलाया जाता है, इसको बर्न किया जाता है, तो डायरेक्ट ये किस में चेंज हो जाता है, एयर में चेंज हो जाता है। एयर में चेंज हो जाता है इसका मतलब ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाता है। तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, इवेल्युएशन, उधर्वपातन या फिर आप सब्लिमेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। एक हमारे पास एग्जांपल और आता है जिसमें मैं डायरेक्ट गैस को सॉलिड में चेंज कर सकता हूँ, तो वो आती है हमारे पास CO2। जब CO2 को हाई मतलब कि लो टेम्परेचर के ऊपर जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंस्ड किया जाता है तो ये बन जाती है हमारी ड्राई आइस, जिसको मैं सॉलिड CO2 के नाम से यहां पे जानता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी उबलता है, वॉटर बॉइल ऑन द हिल,
तो पहाड़ों पर पानी कितने टेम्परेचर पे उबल जाता है, 100 डिग्री पर, या 100 से ज़्यादा, 100 से कम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेशर के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। तो जब भी हम हाई एटीट्यूड के ऊपर यहाँ पे जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो पानी का काफ़ी कम रहता है, वो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर उबल जाता है। इसलिए पहाड़ों पर खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। ये भी आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उबलते जल की अपेक्षा बाष्प से ज़्यादा जलन क्यों होती है? आपको बोला है बर्न मोर देन वेपर देन बॉइलिंग वाटर। इसका मतलब है कि अगर हाथ के ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए, उबलता हुआ पानी डाल दिया जाए, या फिर हाथ के ऊपर स्टीम दी जाए, मतलब वेपर की एक स्टीम दी जाए, तो जलन किससे ज़्यादा होगी? तो आपको बता दिया कि किससे होती है, बाष्प से होती है, वेपर से ज़्यादा जलन होती है। पर होती क्यों है, अब ये आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पे रहता है। तो उसमें क्या रहती है, हमारी लेटेंट हीट जो है वो रहती है स्टीम में, मतलब कि गुप्त ऊष्मा उसमें रहती है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज बेस्ड ऑन द विच कॉन्सेप्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा गति की का जो पहला नियम है वो किस पर आधारित रहता है, कार्य के ऊपर, ताप के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर, या फिर इन तीनों के ऊपर? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो आपका डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, विच सेज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अब आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमारी जो एनर्जी है वो आपकी वेस्ट की फॉर्म में बाहर जाती है, मतलब कि वो एक्चुअल में हमारे लिए वेस्ट की फॉर्म में हम उसको समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं पे वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कोई एक मैच चला है क्रिकेट का, और यहाँ पे जो है वो बॉल करवाई गई गेंदबाज के द्वारा, और यहाँ पे बैट्समैन खड़ा, उसने इस गेंद को यहाँ से हिट करना है। अब जब वो हिट करेगा तो एनर्जी चेंज होगी, और एनर्जी जब चेंज होगी तो वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन जब वो हिट करेगा तो वहाँ पे आपके पास हिट करने के साथ साथ साउंड भी निकलेगी। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी उस क्रिकेटर ने यूज़ की थी, कहीं ना कहीं पे वो साउंड एनर्जी में भी बाहर निकलेगी। उसके साथ साथ जब भी किसी चीज़ को ज़्यादा जोर से हिट किया जाता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसका मतलब उसमें हीट एनर्जी भी बाहर निकलेगी, लेकिन इन दोनों की दोनों एनर्जी का हमारे क्रिकेट के मैदान में कोई भी यूज़ नहीं है, इसलिए हम इसको वेस्ट की फॉर्म में मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में वेस्ट नहीं है। ये जो हमारे पास जितनी भी एनर्जी स्टार्टिंग से आ रही है, कहीं ना कहीं पे ये एनर्जी एटमॉस्फेयर में कंजर्व्ड कर ली जाती है। तो इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि ना तो हम उसको बना सकते हैं ना तो ख़त्म कर सकते हैं, बस उसकी एक फॉर्म से हम उसको किसी दूसरी या उसको फिर तीसरी फॉर्म में ट्रांसफर या फिर चेंज कर सकते हैं। तो उसी लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसी के ऊपर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लाइट वेव इज, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग रहती है? तो ये आपको यहाँ पे बताना है ट्रांसवर्स है कि या लॉन्गिट्यूडनल है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो लाइट वेव जो है वो किस प्रकार की हमारे पास यहाँ पे तरंग रहती है, अनुदार्य है या फिर अनुप्रस्थ है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो लाइट वेव जो है वो आप जल्दी से यहाँ पे आंसर आप बताएं, ये आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। वैसे ही लाइट वेव और साउंड वेव हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको बताना है। आपके मैं कमेंट का यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि जो लाइट वेव है वो एक्चुअल में ड्यूल नेचर की हमारे पास यहाँ पे रहती है। फर्स्ट वन हमारे पास आता है इसका पार्टिकल नेचर, और दूसरे नंबर पे आता है इसका वेव नेचर। तो दो इसके फिनोमिने हैं, तो जल्दी से आप कमेंट करें कि क्या इसका राइट आंसर रहेगा। मैं यहाँ पे पिन आपको कर दूंगा कमेंट में कि क्या इसका राइट आंसर रहना है। उससे पहले आप जल्दी से अपना आंसर यहाँ पे बताएं कि लाइट वेव किस प्रकार की तरंग रहती है, अनुदैर्ध्य है
या फिर अनुप्रस्थ है, ये आपको आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको नहीं बताया है, वो आपका होमवर्क रहेगा। द नेचर ऑफ लाइट इज, प्रकाश की प्रकृति कैसी रहती है, तो ये अभी मैंने आपको बताया, इसके दो फिनोमिने रहते हैं वेव और पार्टिकल के, तो तरंग और कण के समान ये इसका राइट आंसर रहेगा। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट जो है वो हम मानते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अगला क्वेश्चन है, लूनार एस्केप कब होता है, मतलब कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी जीडी में काफी बार आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका पूर्णिमा के दिन, जब पूरा का पूरा मून आपको दिखता है, फुल मून डे, मतलब कि पूर्णिमा के दिन जो है वो चंद्र ग्रहण होता है। अभी आपको पता होना चाहिए कि चंद्र ग्रहण में क्या क्या हमारा फिनोमिना है, कि जो हमारा सूर्य है या फिर जो मून है या फिर अर्थ है वो कहाँ कहाँ पे हमारे पास रहती हैं। तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आता है, अर्थ आती है, ये आपको पता होना चाहिए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, सूर्य सॉरी चंद्र ग्रहण जो है वो कहा जाता है। और इससे बिल्कुल अपोजिट जो है, सन तो अपनी जगह पे फिक्स है, मैं यहाँ पे पोजीशन चेंज करूंगा मून की और पोजीशन चेंज करूंगा अर्थ की। तो जब मून बीच में आता है तो उस चीज को कहा जाता है सूर्य ग्रहण, उस चीज को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, इसका मतलब है कि कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन के आप के बारे में आप बोल सकते हैं, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा है। जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाता है, तो जब ये डायमंड से ग्लास में जाता है तब आपको सारा का सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको दिखता है, जिसको हम TIR बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डायमंड टू ग्लास। अच्छा, मैं क्वेश्चन की यहाँ पे बात करता हूँ, हीरा जो है उसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो है 2.42, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई भी यूनिट नहीं होते हैं, उसको किसी भी चीज में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद है आपके पास स्ट्रेन, और उसके बाद है आपके पास रिलेटिव डेंसिटी, इन तीनों के कोई भी यूनिट आपके पास नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। इस चीज को हम मिररेज भी बोलते हैं, ये आपके 10th या प्लस टू में भी आपका एक पूरा का पूरा एक चैप्टर है। अब मृग मरीचिका क्या होता है, जब आप रेगिस्तान में जाते हैं तो आपको काफी दूर ऐसे लगता है कि किसी पेड़ के आसपास जो है वहां पे वो आपको पानी दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में पानी वहां पे है नहीं। जब आपको भ्रम होता है उसी फिनोमिना को मिररेज या फिर मृग मरीचिका कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से आपके लिए बना रहा हूँ, हीरे का चमकना भी किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है, एंडोस्कोपी किस पर आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और मैं आज आपके लिए लाइट से ज्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ लाइट के चैप्टर के। तो एंडोस्कोपी जो है वो आपने देखा होगा, सुना होगा, या फिर शायद किसी ने करवाई भी होगी आपके नॉन में। तो एंडोस्कोपी जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को चेक करने के लिए की जाती है, जिसकी हेल्प से हमारे जो पेट में जो भी अगर कोई वायरस हुआ है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उससे हम वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपी जो है वो भी हमारी डिपेंड करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर, जिसको फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो इंद्रधनुष होने का कारण जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के दोनों है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि इंद्रधनुष के कलर का पैटर्न क्या होता है, इंद्रधनुष के कलर का पैटर्न क्या होता है। और इसमें आपको पता है टोटल 7 कलर होते हैं,
और सबसे ज़्यादा हमें जो है वो इसमें रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर की वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, इसलिए ये हमारा स्कैटर नहीं करता है। उसी के कारण डेंजरस सिग्नल भी हमारे रेड कलर के ही बनाए जाते हैं। तो इंद्रधनुष होने का कारण जो है वो है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है स्कैटरिंग से। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कैटरिंग का। तो स्कैटरिंग की डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर सी वी रमन, डॉक्टर सी वी रमन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डिस्कवरी की थी, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे। 1930 में इनको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, वो है आपके पास नोबल प्राइज, नोबल प्राइज जो है वो इनको मिला था 1930 में, और ये इंडिया का फिजिक्स में पहला नोबल प्राइज था। तो काफ़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर सी वी रमन जो है वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डिस्कवरी की थी। 1930 में इनको दुनिया का सबसे बड़ा नोबल पुरस्कार मिला था, जो कि फिजिक्स में दुनिया का, सॉरी इंडिया का पहला नोबल प्राइज था। और इससे पहले जो है वो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को एशिया का या फिर इंडिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए, वो भी गीतांजलि, या फिर आप बोल सकते हैं गीतांजलि से लिया गया, जन गण मन उसके लिए। तो 1930 में जब इनको नोबेल प्राइज मिला, तो उसके काफ़ी सालों के बाद 1954 में जो है वो इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और उसके बाद जो है वो 28 फरवरी को इन्हीं की डिस्कवरी के ऊपर जो है वो, डॉक्टर सी वी रमन की डिस्कवरी के ऊपर जो है वो इंडिया में नेशनल साइंस डे मनाया जाना स्टार्ट किया गया। तो 28 फरवरी को जो है वो भारत का विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? मतलब कि हमारे इस एटमोसफेयर में जो लाइट है वो चारों तरफ फैल जाती है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे तो इसका मुख्य कारण रहता है हमारे पास पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल से ही लाइट स्कैटर होके आगे जाती है, बट इस ऑप्शन में पार्टिकल कोई नहीं है। तो सबसे क्लोज आंसर जो हमारा रहेगा वो है धूल कण, डस्ट। आपने देखा होगा अंधेरे में जब आप लाइट को ऑन करते हैं, तो जब आप टॉर्च को ऑन करते हैं तो टॉर्च के सामने आपको बिल्कुल, जैसे मैंने ये टॉर्च की फ्लैश को ऑन किया ऐसे करके, तो आपको बिल्कुल छोटे 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 यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो आपको दिखेंगे। तो उन चीज़ को क्या बोला जाता है? डस्ट पार्टिकल बोलते हैं, और यही हमारे लाइट को क्या करते हैं? डिफ्यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब सूर्य अस्त होता है तो वो लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका भी राइट आंसर आपका रहेगा स्कैटरिंग के कारण। तो स्कैटरिंग के कारण आपको जब सूर्य अस्त होता है तो ये आपको हल्का सा रेडिश कलर का जो है वो दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे देखने के लिए किस शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे देखने के लिए कौन से मिरर का हम यूज करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज तक ज्यादा नहीं तो 20 बार आप मान के चल सकते हैं कि आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर बार एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा उत्तल दर्पण, जिसको भी, जिसको हम कन्वेक्स मिरर यहां पर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो जब भी शेविंग करते हैं या फिर बियर्ड आप बनाते हैं तो कौन से मिरर का यूज किया जाता है? तो राइट आंसर आपका रहेगा कनकेव मिरर। ये भी इसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा आज की क्लास का, और आज मैंने सबसे ज़्यादा आपके लाइट के ही क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि नया चैप्टर आपका कौन सा लगाना है जनरल साइंस का। पूरी फुल डिटेल के साथ मैं आपको उसको यहाँ पे ट्राई कराऊंगा, और साथ में उसके जितने भी एमसीक्यू आपके लिए बनेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मानव की आंख पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? ह्यूमन आई में आपको बताना है, प्यूपिल के ऊपर, रेटिना के ऊपर, दोनों के ऊपर, या फिर किसी पर भी नहीं? तो
इमेज बनती है वो है बनती है रेटिना पर। और जब भी आंख दान की जाती है तो उसका कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो वो किया जाता है कॉर्निया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कॉर्निया जो है वो आंख में दान किए जाने वाला हिस्सा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप विजयपथ एजुकेशन से आर्मी की फ्री क्विज आप ट्राई कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इंडियन आर्मी जीडी क्लर्क या टेक्निकल की परचेज करना चाहते हैं तो आप vijaypatheducation.com पर जाके उसको परचेज कर सकते हैं। साथ में आप प्ले स्टोर से विजयपथ एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको 30 से ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। उसमें साथ में आपको 170 से ज़्यादा आपके चैप्टर बाय टेस्ट, जिसमें आपके मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश बायलैंगुअल में आपको ये मिलेंगे। साथ में अगर आप अग्निवीर 786 कूपन कोड का अगर आप यूज करते हैं तो डायरेक्ट आपको 25% का यहाँ पे डायरेक्ट डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।